बच्चों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। ऐसा लग रहा है सबको इस कार्यक्रम का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, क्यों है ना? तो इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और मैं नेहा लेकर आ गई हूं आपका अपना कार्यक्रम चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली। तो बच्चों आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले हम सुनते हैं एक कहानी, और कहानी सुनने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, देखते हैं कहानी से संबंधित एक चित्र और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहानी में है क्या। इस चित्र को देखो जरा, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक छत है, छत के ऊपर एक लड़का और लड़की बैठे हैं। लेकिन ये दोनों ऐसे क्यों बैठे होंगे? ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? आखिर क्या हुआ होगा? हो सकता है दोनों में झगड़ा हुआ हो। अरे यहाँ तो एक बिल्ली भी है, ये इन्हें देखकर क्या सोच रही होगी? बच्चों अब दूसरे पेज को देखते हैं। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों खेल खेल रहे हैं। क्या आपको लड़के के हाथ में कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, इसके हाथ में लग रहा है कोई खिलौना है। ये तो ट्रेन के जैसा लग रहा है। अब जरा सोचो इस कहानी में क्या हुआ होगा? क्यों ना एक बार कहानी का नाम देख ले, कहीं उससे कुछ और अंदाजा लग जाए कि कहानी में क्या हुआ होगा। कहानी का नाम है, क्या है बच्चों कहानी का नाम? कुट्टी। क्या आपको कहानी का अब कुछ अंदाजा लगा? मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि शायद ये दोनों दोस्त होंगे और खेल खेल में इनकी किसी बात पर कुट्टी हो गई होगी, है ना? शायद ऐसा हो सकता है ना? तो चलो अब कहानी पढ़कर ही देखते हैं कि कहानी में क्या हुआ है। लेकिन पहले देखते हैं कि किसने लिखी है ये कहानी। इस कहानी को लिखा है प्रमोद पाठक ने, और इसके सुंदर चित्र बनाए हैं इंक ब्रश एनिमी स्टूडियो ने। अब कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। राशिद बहुत उदास है, उसे इफ्फत का कुट्टी होना बहुत खराब लग रहा था। किसी और के साथ ऐसा होता तो वो उससे कभी बात नहीं करता, पर इफ्फत उससे बोले बिना कितना बुरा लग रहा है। कितनी छोटी सी बात पर दोनों में कुट्टी हो गई, उसे दुख हो रहा है। तो ये बात है, इन दोनों में कुट्टी हो गई है। इस बात से राशिद को दुख भी हो रहा है। आपको क्या लगता है कि अब आगे कहानी में क्या हुआ होगा? आगे पढ़कर देखते हैं। अगर बारिश की बूंदों में इफ्फत छाता पकड़कर चलना चाह रही थी तो उसने क्यों नहीं दे दिया? नहीं दिया तो नहीं दिया, ऊपर से ये और कह दिया, ये छाता मेरा है। कितना बुरा लगा होगा इफ्फत को। अब अगर वो बात नहीं कर रही तो ठीक ही तो कर रही है। तो ये बात है, राशिद ने छाता नहीं दिया और ये भी बोल दिया कि ये मेरा छाता है। इस वजह से दोनों में कुट्टी हुई है। सच में इफ्फत को बहुत बुरा लगा होगा। लेकिन राशिद अब करे भी तो क्या करे? बच्चों आपको क्या लगता है कि राशिद अब क्या करेगा? क्या वो इफ्फत को मनाएगा? लेकिन कैसे? उधर इफ्फत को भी चैन कहां? अब्बू मेले से चाबी वाली नई ट्रेन जो लेकर आए हैं। राशिद को ट्रेन दिखाने का कितना मन है, पर राशिद है कि बात ही नहीं कर रहा।
अब छाते वाली इतनी सी बात पर कब तक बात नहीं करेगा। राशिद चुपचाप सा घर के बाहर घूम रहा है। इफ्फत अपनी ट्रेन लेकर राशिद के ठीक सामने के पत्थर पर जाकर बैठ जाती है। देखा, ऐसा लग रहा है कि बात करने का मन तो दोनों को है, फिर बात क्यों नहीं कर लेते हैं। शायद वे दोनों सोच रहे हैं कि पहले कौन बात करे और कैसे, लेकिन अब तो दोनों आमने सामने बैठे हैं। आपको क्या लगता है, अब वे आपस में बात करेंगे? क्या उनकी कुट्टी खत्म हो जाएगी? हो सकता है अब शायद दोनों बात करें, लेकिन कैसे? चलो आगे पढ़कर देखते हैं कि क्या होता है। अपने आप से ही बातें करती हुई उससे खेलने लगती है। अचानक इफ्फत का पैर फिसल जाता है। राशिद भागकर इफ्फत को उठाता है और पूछता है, कहीं लगी तो नहीं? इफ्फत बोली, तूने मुझे क्यों उठाया, तू तो मुझसे कुट्टी था ना। लेकिन कुट्टी तो हम खेल में हुए थे, गिरने में कुट्टी थोड़े ही थे, ऐसा राशिद ने कहा। इफ्फत बोली, फिर मैं दो दिन पहले क्यों नहीं गिरी? राशिद ने कहा, दो दिन पहले ट्रेन भी तो नहीं थी, चल आजा इससे खेलें। तो ऐसे खत्म हुई उनकी कुट्टी। राशिद ने भी सही ही कहा कि कुट्टी तो खेल में हुए थे, गिरने में कुट्टी थोड़े ही थे। लेकिन इफ्फत ने भी बड़ा ही लाजवाब जवाब दिया। क्या बोला था इफ्फत ने? फिर मैं दो दिन पहले क्यों नहीं गिरी? हाँ बिल्कुल सही बच्चों, यही तो कहा था। ये तो रही हमारी कहानी, और इसके बाद हम क्या करते हैं, जल्दी बोलो तो जरा। हाँ हम करते हैं कहानी पर कुछ बातें और कुछ सवाल जवाब। लेकिन इससे पहले अब समय है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ है, इसलिए कहीं जाना नहीं। ब्रेक से पहले हमने सुनी थी एक कहानी और मेरे मन में आए कुछ सवाल, और वो है, राशिद और इफ्फत में कुट्टी हो गई थी, क्या आपकी कभी किसी से कुट्टी हुई है? एक बार मेरे दोस्त से मेरी भी कुट्टी हो गई थी। हुआ ये था कि एक दिन मैं नया खिलौना स्कूल में लेकर आई थी। मेरी दोस्त उस खिलौने को देख रही थी, तभी उससे खिलौना नीचे गिर गया। उससे बोलते हुए मैंने खिलौना वापस लिया। इसी बात पर उससे मेरी कुट्टी हो गई। लेकिन इसमें गलती तो मेरी थी, मैंने उसे सॉरी बोल दिया और हमारी कुट्टी खत्म हो गई। लेकिन ये बताओ, अगर आप इफ्फत की जगह होते तो क्या करते? मैं इतनी सी बात पर तो कुट्टी नहीं करती, लेकिन हाँ मैं राशिद से बात करती और बताती कि मुझे बहुत बुरा लगा। कहानी के अंत में राशिद ने बोला, चलो खेलते हैं। आपको क्या लगता है, उन दोनों ने क्या क्या खेल खेले होंगे? आप भी तो अपने दोस्तों के साथ बहुत से खेल खेलते होंगे ना, क्या बताना चाहोगे कि आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन सा खेल खेलते हैं? अब तक हमने पढ़ी एक कहानी की खूब सारी बातें। अब समय है कार्यक्रम के दूसरे भाग का। याद है कि कहानी में एक जगह लिखा था, उधर इफ्फत को भी चैन कहाँ है? तो आज का हमारा शब्द है चैन। क्या आपको पता है कि इसे कब और क्यों बोलते हैं? याद है ना, इफ्फत और राशिद में कुट्टी हो गई थी और वे दोनों एक दूसरे से नहीं बोल रहे थे। इस बात से राशिद बहुत उदास था। लेकिन क्या इफ्फत को अच्छा लग रहा था? बिल्कुल नहीं, इफ्फत का भी मन नहीं लग रहा था।
मतलब उसे भी चैन नहीं था। हम ये भी बोल सकते हैं कि राशिद को भी चैन नहीं था। इससे मुझे एक बात और याद आई, गर्मियों के महीने में एक बार रात में बिजली कट गई थी। गर्मी के मारे मेरी तो हालत खराब हो रही थी और मच्छर भी बहुत काट रहे थे, जिससे मैं रात भर परेशान रही और मुझे नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर के बाद जब बिजली आई तब जाकर मुझे आराम मिला, या यूं कहें कि तब जाकर मुझे चैन आया। मुझे तो चैन का मतलब आराम लग रहा है। क्या अब आप बता सकते हैं कि चैन शब्द का क्या मतलब है और इसे कब और कैसे बोलते हैं? अब आप भी सोचिए ऐसी ही कुछ या फिर एक और उदाहरण या कोई वाक्य। और अब बारी है हमारे कार्यक्रम के एक और भाग की, जिसमें हम सब खेलते हैं एक खेल। मैं आज आपको एक ऐसे खेल के बारे में बताऊंगी जो आपने कभी नहीं खेला होगा। खेल का नाम है क्या है मेरा दूसरा नाम। मैं आपको एक शब्द बोलूंगी और आपको जल्दी से बताना होगा कि उसे और क्या बोलते हैं, मतलब उसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला माँ, जरा सोचो तो माँ को और क्या क्या बोलते हैं। बिल्कुल सही, हम माँ को माता, अम्मा, आई भी बोलते हैं। कुछ लोग तो अब मम्मी भी बोलने लगे हैं। मुझे पता है कि आपको तो और भी शब्द मालूम होंगे, लेकिन चलो एक और शब्द उदाहरण में लेते हैं। यहाँ एक शब्द लिखा है चारपाई। अब आप जरा सोचो और बताओ तो कि चारपाई को और कौन कौन से नामों से जानते हैं। बिल्कुल सही कहा, चारपाई को हम सब खाट बोलते हैं। अरे चारपाई को तो खटिया भी बोला जाता है। क्या आपके यहाँ चारपाई को किसी और नाम से बुलाया जाता है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या सोचकर बताना है। तो क्या आप तैयार हैं खेल के लिए? पहला शब्द है धरती। अरे वही धरती जिस पर हम सब रहते हैं। अब जल्दी से सोचो और बताओ कि धरती को और क्या क्या बोलते हैं। बिल्कुल सही, इसे हम जमीन भी बोलते हैं। दूसरा शब्द है सड़क। भाई बड़े काम की होती है ये सड़क, आप सब रोज इस पर घूमते तो होंगे ही, तो बताओ तो जरा इसे और क्या बोलते हैं। हाँ, इसे हम रास्ता और डगर भी बोलते हैं। तो हमने खेला एक खेल जिसका नाम है क्या है मेरा दूसरा नाम। बहुत खूब, आप सबको ये खेल जरूर अच्छा लगा होगा। आप इसे अपने दोस्तों और घर के लोगों के साथ भी खेल सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। तो क्या आप तैयार हैं मिलकर एक नया खेल खेलें? आपको यहाँ कुछ अक्षर दिखाई देंगे। हो सकता है इसमें से कुछ अक्षर आपने पिछले एपिसोड में देखे हो और कुछ नए हो, जैसे ह, प, र, ल। और अब इनमें जोड़ते हैं कुछ मात्राएं। मात्रा उ, मात्रा ए। पहले अक्षरों को मात्रा उ से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। जैसे हु, पु, रू, लू। अब अक्षरों को मात्रा ए से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। जैसे हे, पे, रे, ले। बहुत बढ़िया बच्चों, खेल को थोड़ा और मजेदार बनाए तो चलो इनको जोड़ जोड़ कर शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन से अक्षर हैं। ह, प, र,
ल ऊ पू रू लू हे पे रे ले। मैंने पू और र को मिलाया तो शब्द बना पूर। रे और ल को मिलाया तो शब्द बना रेल। प ह और लू को मिलाया तो शब्द बना पहलू। इसी तरह और अक्षरों को मिलाकर बहुत से शब्द बना सकते हैं, जैसे प और ल बनता है पल, रू और ह बनता है रूह। चलो अब आप भी जल्दी बारी बारी से शब्द बनाओ, और अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप उन्हें लिख भी सकते हो। अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। हमने आज एक कहानी पढ़ी जिसका नाम था कुट्टी। आपको तो याद ही होगा ना कि इफ्फत के लिए उसके अब्बू एक खिलौना लाए थे। वो क्या था? एकदम सही, वो एक ट्रेन थी, और वो तो एक खिलौने वाली ट्रेन थी। मैं आपको असली ट्रेन से जुड़ी कुछ रोचक बात बताती हूँ। हो सकता है कि आपने ट्रेन का सफर किया हो या देखा हो। आप सबको मालूम होगा कि साइकिल, कार, बाइक, इन सब के पहिए टायर के होते हैं, और ये सब कहाँ चलती हैं? सड़क पर। बिल्कुल सही, कई बार तो साइकिल या बाइक के पहिए में से हवा निकल जाती है, तो फिर बहुत दिक्कत होती है ना। क्या आपने कभी किसी से सुना है कि यदि ट्रेन के पहिए की हवा निकल जाए तो क्या होगा? जरा सोचो, फिर क्या करना पड़ेगा? दरअसल ट्रेन के टायर की हवा निकल ही नहीं सकती, क्योंकि ट्रेन का पहिया लोहे का जो होता है, और ट्रेन लोहे के ही ट्रैक पर चलती है। कई बार तो जब ट्रेन बहुत तेज चलती है तो वो ट्रैक और पहिए के रगड़ से आग की चिंगारी भी निकालने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी किसी ट्रेन के बारे में सोचा है जो ट्रैक के थोड़ा ऊपर हवा में चलती है? आपको लगता होगा ना कि ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन अब ऐसा हो चुका है। अब चुंबकीय ट्रेन आ गई है जो चुंबक के कारण ट्रैक के ऊपर बहुत तेज दौड़ती है। कभी आप दो चुंबक को एक दूसरे से चिपका कर देखना, कब वो चिपकते हैं और कब एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। एक बार मिल जाए तो देखने की कोशिश बच्चों जरूर करना। अब हम बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग पर, जो है बच्चों के शिक्षकों और अभिभावकों के लिए। आज हम बात करेंगे लेखन कौशल के बारे में। आइए इस पर चर्चा करते हैं हमारी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि विनायक से, जो रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट संस्था में सीनियर प्रोग्राम मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर निधि। नमस्ते डॉक्टर निधि। ज्यादातर ये देखा जाता है कि अक्षर और मात्राओं को मिलाकर कैसे लिखा और पढ़ा जाए, और इनको ही अक्सर लेखन मान लेते हैं हम। लेकिन वास्तव में लेखन कौशल से क्या आशय है? लेखन दरअसल अक्सर माना जाता है, जैसा कि आपने कहा नेहा जी, कि अगर अक्षर मात्रा लिख लिया और अगर उनको जोड़ के शब्द बना दिया तो शायद वो लेखन हो गया। लेकिन लेखन सिर्फ उतना नहीं है, लेखन अभिव्यक्ति का एक जरिया है। मतलब मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, मैं क्या सोच रही हूँ, उसको अगर मुझे बताना हो तो लेखन उसका एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। लेखन सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, लेकिन लेखन सोचने में भी मदद करता है। यानी अगर मैंने कुछ लिखना है, मान लीजिए मैं आपको कोई एक विषय देती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि इस विषय के ऊपर कुछ लिख के दिखाओ, हो सकता है कि आपको लगता हो कि मुझे तो इस विषय के बारे में बहुत पता है, लेकिन जब आप लिखने बैठो तो आपको पता चलता है कि अरे अभी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे शायद पता ही नहीं, या इसमें अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे और बेहतर जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो लेखन एक तरफ जहाँ अभिव्यक्ति का जरिया है, वहीं लेखन आपको सोचने में भी मदद करता है, वहीं लेखन आपको चीज़ों को समझने में भी मदद करता है।
सो प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए जब हम लेखन की बात करते हैं तो हमें दोनों प्रकार के लेखन की बात करनी होती है। एक तो कौशल आधारित लेखन, यानी बच्चे लिखना सीख रहे हैं, अक्षर बनाना सीख रहे हैं, वाक्यों को लिखना सीख रहे हैं, वाक्य संरचना सीख रहे हैं, सही सही से लिखना सीख रहे हैं, कहाँ पे पूर्ण विराम आएगा, कहाँ पे प्रश्न चिन्ह आएगा, ये सब सीख रहे हैं। तो एक तो ये रूल्स ऑफ राइटिंग सीखने होते हैं बच्चों को, तो सही ढंग से लिखा जाए, सही शब्द लिखे जाएँ, सही वर्तनी में लिखा जाए। और दूसरी तरफ स्वतंत्र लेखन का भी मौका बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। यानी आप सिर्फ सही लिखने पर ध्यान न दें, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप देखें कि वो जो बोलना चाहते हैं, वो जो व्यक्त करना चाहते हैं, क्या उसको सही तरह के शब्दों का उपयोग करते हुए लिख पा रहे हैं। वो जो अपने विचार बताना चाह रहे हैं, अपनी ओपिनियन बताना चाह रहे हैं, अपनी राय बताना चाह रहे हैं, क्या वो ठीक से दे पा रहे हैं। वो जो तर्क वितर्क करना चाह रहे हैं, क्या उसको लेखन के माध्यम से बता पा रहे हैं। सो लेखन हमेशा ही दोनों तरह से देखा जाना चाहिए, सही तरह से लिखना लेखन कौशल, और स्वतंत्र तौर से लिखना यानी अभिव्यक्ति के लिए भी लिख पाना। इन दोनों को मिलाकर ही लेखन बनता है। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि लेखन हमेशा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। अब देखिए, हम लोग जैसे इनविटेशन कार्ड बनाते हैं, तो अगर मैंने इनविटेशन कार्ड लिखा है तो उसका एक उद्देश्य है कि मैं किसी को न्योता देना चाह रही हूँ। या अगर मैं एडवर्टाइजमेंट लिखना चाह रही हूँ तो उसका भी एक उद्देश्य है कि मैंने वो एडवर्टाइजमेंट बनाया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग आके मेरा सामान खरीदें। या मैं कोई ऐसा एक निबंध लिखना चाह रही हूँ और लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करना चाह रही हूँ कि जो मेरा दृष्टिकोण है वो सही है, तो मैं उसके लिए तर्क वितर्क देते हुए उस प्रकार का लेख लिखूंगी। या मैं जीवनी लिखना चाह रही हूँ, तो जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो हमेशा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिखी जाती हैं। तो लेखन के लिए प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए भी इस पूरे परिप्रेक्ष्य में लेखन को देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर निधि, क्या प्रारंभिक कक्षा के बच्चों के साथ लेखन कौशल पर कार्य किया जा सकता है, और ये क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्कुल किया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए भी लेखन पे कार्य करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम पठन पे कार्य करते हैं। प्राथमिक, हम लोग ये मानते हैं कि गलत मानते हैं कि बच्चे पहले पढ़ना सीख जाएं, फिर उनको लिखना तो आ ही जाएगा। या पहले थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं, अभी अभिव्यक्ति तो नहीं करने की ज़रूरत है, बच्चों को बस अक्षर मात्रा सिखा दें, थोड़े से शब्द लिखना सिखा दें तो काफ़ी है, अभिव्यक्ति करना तो थोड़ी बड़ी कक्षाओं की बात है, वो तो बाद में आ ही जाएगा। लेकिन ये दृष्टिकोण गलत है। दरअसल छोटे बच्चों को लेखन द्वारा अभिव्यक्ति शुरू से ही शुरू करना, ये क्षमता विकसित करना शुरू से ही बहुत आवश्यक है। आप लोगों ने गौर किया होगा, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, पढ़ना शुरू करने से पहले वो क्रेयॉन उठाते हैं और कुछ कुछ आड़ी तिरछी रेखाएँ खींचना शुरू कर देते हैं। अभी पढ़ना नहीं आता, लेकिन लिखने की कोशिश उनकी शुरू हो जाती है। और अगर ऐसी किसी आड़ी तिरछी रेखाओं को देख के आप बच्चों से पूछो कि बेटा बता तो ये क्या लिखा है, तो बच्चा आपको पूरा बताएगा भी, क्योंकि उसने अपने तरीके से लिखा है। वो हमारे तरीके से लिखना अभी जानता नहीं है, लेकिन उसके लिए लेखन अभिव्यक्ति का माध्यम शुरू से है। तो हम क्यों लेखन को हमेशा पीछे धकेल देते हैं? लेखन और पठन साथ चलने वाली प्रक्रियाएँ हैं, और प्राथमिक कक्षाओं में ही इस पर ध्यान देना है। डॉक्टर निधि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्ते। तो ये थी हमारी विषय विशेषज्ञ डॉक्टर निधि विनायक। मुझे यकीन है कि हमारी ये चर्चा आपके लिए काफी उपयोगी रही होगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आज सभी ने खूब आनंद लिया होगा। फिर मिलेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है चलो मेरे साथ बोलो चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली।